ये रहा परफ्यूम, और इस परफ्यूम का नाम पता है क्या? एक्सपोज। जबरदस्त, क्या फ्रेग्रेंस है यार। लेकिन ये मेरा नहीं था, ये मेरे भाई का परफ्यूम है। मेरे पास तो छोटे मोटे परफ्यूम। इधर ना ना, वो इधर दिखा भाई, इधर दिखा। मेहमान है यार, मेहमान नहीं हूँ मैं, खुद ही लेके आया हूँ तुझे। इधर दिखा ना, मैं देता हूँ। ओ भाई इधर दिखा, कुछ नहीं होता। मैं देता हूँ यार, वो कुछ नहीं होता भाई, चल ये ले दे। ये क्या बात है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगजेब कलीम और आप देख रहे हैं जेबी व्लॉग। उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह के फजल करम से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, शुक्रिया। तो भाई बात दरअसल ये है कि टाइम हो रहा है दिन का 1 बजे। 1 बजे जब टाइम होता है तो सुबह वाला नाश्ता तो 9 साढ़े 9 बजे बन जाता है, लेकिन इस टाइम आज आपका भाई खुद बनाएगा। पहले लेते हैं ब्रेड, ब्रेड के बाद फिर बनाएंगे चाय, चाय बनाने के बाद फिर बनाते हैं ऑमलेट। देखते हैं कि आया कि सही बनता है या नहीं बनता। प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं ना, समझे? समझो समझो। हाँ जी, तो हमने सबसे पहले बनाना ऑमलेट। अंडा ले लिया, अंडे को अब ये टूट गया अंडा, इसको रख देते हैं इधर। गला खराब है यार पहले भी। इसके अंदर हमने काली मिर्च डालनी है, ये काली मिर्च थोड़ी डाली ताकि गर्म ना हो ज़्यादा। साथ बनाने के लिए सबसे पहले हमने डाला ऑयल। ऑयल के बाद ये अब गर्म हो जाए, गर्म होने के साथ साथ हमें इसके ऊपर डाल देना है अंडा। ये पहला एक्सपीरियंस है जिंदगी में खुद ऑमलेट बना रहा हूँ। आपने बता दिया ना कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ और ऐड करनी थी। नमक, नमक मैंने बाद में डाला है। ब्रेड तो रोज़ खाते हैं, लेकिन आज अम्मा ने कहा कि मैं आपको चावल वाली रोटी बना देती हूँ। ठीक है, चावल वाली रोटी अभी आपको दिखाते हैं कि ये कितनी मज़े की होती है। ब्रेड तो रोज़ खाने का टाइम है। ओ चाय डुलने वाली थी, चाय 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 बन गई। इसको हम इधर अपने कप में डालते हैं। ये पक्के, इसको रखते हैं इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ अम्मा जी, एक ब्रेड भी। जबरदस्त। फिर भी अम्मा साथ आ गई थी, उन्होंने चावल की रोटी बनाई, ऑमलेट मैंने खुद बनाया, और चाय भी आपके भाई ने बनाई है। अब खा लें, खाने के बाद मुलाकात होती है। ये तो नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद अब टाइम हो गया है 2:15 का। फ्रेश भी हो गए, फ्रेश होने के बाद अब हमने लगाना है परफ्यूम। परफ्यूम के बाद नमाज़ भी हमने पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद अब बाहर जाते हैं, बाहर का माहौल देखते हैं, और एक दोस्त हैं उनसे भी मिलते हैं और उनसे अच्छे अच्छे मशवरे करने हैं, वो भी करते हैं। तो परफ्यूम का ये रहा परफ्यूम, और इस परफ्यूम का नाम पता है क्या? एक्सपोज। जे डॉट का परफ्यूम है जी, और टूटा तो नहीं है, और नहीं नहीं बच गया। जे डॉट का परफ्यूम, ज़बरदस्त, क्या फ्रेग्रेंस है यार जे डॉट की, क्या फ्रेग्रेंस है। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ हर बंदे को भाई जे डॉट के परफ्यूम, बहुत ज़बरदस्त इनकी फ्रेग्रेंस है। लेकिन ये मेरा नहीं था, ये मेरे भाई का परफ्यूम है। मेरे पास तो छोटे मोटे परफ्यूम, छोटे मोटे परफ्यूम है, लेकिन ये मेरे भाई का परफ्यूम है। अब हम बाहर जाते हैं, लेकिन जाने से पहले आज इसकी बहुत ज़रूरत है हमें। आज ना पता है क्या, आज क्वालिफायर राउंड है। एक तो है मुल्तान और दूसरा लाहौर, लेकिन अपने भाई की जो टीम है उसका मैच है कल इस्लामाबाद के साथ। लेकिन मैच के शौकीन तो किसी काउंटी का भी मैच ना बड़े शौक से देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि टीवी तो सही चल रही है ना। चल भाई बटन, हमने बटन ऑन किया। बटन ऑन करने के साथ साथ हाँ जी, अब ढूंढते हैं इसका रिमोट। ये पड़ा रिमोट,
देखते हैं भाई के नैच वाले चैनल तो सही चल रहे हैं ना। ओ इको स्टार आ गई। चल 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 चल। हाँ भाई मुल्तान सुल्तान ते कराची किंग ये तो लगी है, इनकी लगी पड़ी है हाईलाइट। मोहम्मद रिजवान अपना चीता, चाहे हम पिशावर जलमी के सपोर्टर हैं लेकिन रिजवान रिजवान। बाबर आजम के सपोर्टर भी बहुत हैं, बहुत हैं, आया कि हमारे मुल्क का फ़खर है ये, लेकिन मोहम्मद रिजवान को अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी है। भाईजान ए स्पोर्ट्स ठीक चल रहा है, मैच की तैयारी हमारी हो गई, स्टेडियम नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, हम मैच इधर देख लेंगे, कोई बात नहीं, मैच इधर घर में बैठ के भाई और मैं देख लेंगे। जो मज़ा घर में फैमिली के साथ बैठ के मैच देखने का मज़ा आता है ना, वो और कहीं नहीं आता। दोस्तों के साथ भी आता है लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो खाना वगैरह भी लाजमी होता है। अब हम आए हैं मफिन्स कैफे ग्रिल के ऊपर, जिसके साथ मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त भाई, आजा भाई मोबाइल रखते हैं, हमजा बिलाल एंड मी। ठीक है अंदर चलते हैं, अंदर चल के चाय ऑर्डर करते हैं और चाय के साथ साथ और भी इनका क्या क्या मेन्यू है वो भी देखते हैं। हमजा क्या सोच रहे हो? मजाक का ख्याल है और क्या सोच रहे हो? पहले कभी आए नहीं, अरे इतने मासूम मासूम हो इतने मासूमियत एकदम। ए वो तो आंखों से झलक रही है। औरंगजेब भाई उदास क्यों बैठे हैं? क्या करें यार, आधा घंटा हो गया अभी तक इनकी ना चाय आई ना फ्राइज आया, कुछ भी नहीं आया, भूख लगी है। अरे अल्लाह मर गया। हां टिश्यू ले ले, टिश्यू में चाय वो बैठे क्या कर रहे हो यार, तरतीब ले रहे हो हम सायों को देने? हमजा ये हमारी चाय के ऊपर दिल क्यों बना हुआ है, क्या वजह? ये दिल नहीं है उल्टा यार। हमजा पागल टिश्यू से साफ करते हैं इसे। टिश्यू ले लो, टिश्यू जानू। फाइनली हमारे सामने चाय आ चुकी है। आपने कौन सी वाइट शुगर लिया ब्राउन शुगर लिया? ब्राउन। सबसे पहले इसमें ये ब्राउन शुगर डालते हैं, वाइट शुगर भी है अभी तो तेरे को दूर है ये बंदा। यार वाइट शुगर तो नहीं पड़ी, चलो ब्राउन शुगर लेते हैं। उसके साथ साथ ये नगेट्स और ये अपने वारदात में ये है वो ब्राउन शुगर जो हमने अप्लाइड केमिस्ट्री में पढ़ा था, ब्राउन शुगर से वाइट शुगर कैसे बनती है। सबसे पहले इसका प्रोसेस होता है कटिंग, फिर उसके बाद वाशिंग। यू नो जो मेरे क्लास फेलो देख रही हैं इसको वो ज़रूर समझ रहे होंगे कि मैं अप्लाइड केमिस्ट्री वाली ब्राउन शुगर मेरे सामने ये बस इसको फिर हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के साथ साथ हम तो चाय तो मीठी कर दें, बोले घुमा दें। वाह हमजा पुत्र चाह डाढ़ी पकाई इधर ना ना वो इधर दिखा भाई, इधर मेहमान है यार। मेहमान नहीं हूं मैं, खुद ही लेके आया हूं तुझे, इधर दिखा ना, मैं ओ भाई इधर दिखा, कुछ नहीं होता, मैं देता हूं यार, वो कुछ नहीं होता भाई, चल ये ले दे। ये क्या बात है बस। हाँ जी तो जैसा कि अब मैंने आपको पहले दिखाया कि हम गए मफिन्स पे, वहाँ पे चाय पी, चाय पीने के साथ साथ नगेट्स खाए और हमारा टिड्डी हो गया फुल। फुल होने के साथ अब हम आ गए हैं ग्राउंड, ग्राउंड ढूंढा, ग्राउंड ढूंढने के साथ मैं और मेरा दोस्त लगाएंगे रनिंग। ठीक है रनिंग करेंगे, रनिंग करने के साथ देखते हैं पहले कौन चक्कर पूरा करता है। तैयार है हमजा? 1 2 3 स्टार्ट। और रुक जा रुक जा। हाँ जी तो आपका भाई जीत गया और ये हार गया, ये क्या कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज का व्लॉग होता है यहाँ पे ख़त्म, मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। आज से डेली व्लॉग आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।